मैं बना रही थी मज़ेदार किस्म की अरवी गोश्त, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बड़ी क्विक सी और बड़ी मज़ेदार सी, बहुत छोटी सी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। सबसे पहले मैंने अरवी को जो है ना इस तरीके से काट लिया, ठीक है। इसमें मैं जो है थोड़ा सा इसमें आटा मिला दें, आटा मिला दें, और चाहें तो खाली इसको जो है नमक के पानी में भिगो के रख सकते हैं। दोनों तरीके जो है ना इसके लिए अच्छे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत भिंडियों की तरह लेस होती है तो वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो आटा बस आपने 1.5 टेबल स्पून डाल देना है। मेरे पास 1 kg जो है ना अरवी है, और इस तरीके से ना इस पर लगा के हल्का सा इसके ऊपर ना आपने पानी डालना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना है, और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मसलना है, और मसलने के बाद इसको इसी हालत पे छोड़ दें। तकरीबन 1-2 मिनट के लिए छोड़ना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस थोड़ा सा इसमें ये है कि पानी डाल के अच्छे तरीके से आप जो है ना इसको मसल लें। इसकी जो लेस है आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये इस तरीके से जैसे आप इसको अच्छा से 2-4 मिनट मसलेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगी। तो बस 2-4 मिनट इसको मसलने के बाद फिर इसको रख देंगे साइड पे 2 मिनट के लिए, जब तक बाकी मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। चलें जी, अभी जो है ना मैं मटन इसमें मैंने डाल दिया है, तकरीबन अच्छे तरीके से इसको साफ़ सुथरा धो के, तो आपने इसको 1 कप जो है ना पानी डालिएगा, क्योंकि मैं इसमें टमाटर डालूँ, टमाटर मैं इस तरीके से काट के इसमें डालूँगी, ठीक है, और प्याज डालूँगी, 2 टमाटर मैंने इसमें डाले और 1 बड़ा प्याज, और साथ में 1 जो है बड़ी इलायची, और 4-5 लौंग और 5-7 जो है काली मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको तो मैं चढ़ा दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे, पहले 10 मिनट तक, उसके बाद हाई फ्लेम कर दूंगी, तो ये पक जाएगा इंशाल्लाह। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून अदरक और 1/2 टीस्पून लहसुन का इस टाइम पर, बाकी मैं जो मसाले बाकी जितने भी हैं इसमें मैं डालूंगी जब मैं इसको भूनूंगी। तो बस इस तरह से इसको सारा मिक्स करने, नमक मिर्च सब कुछ मैंने बाद में डालना है, तो अभी इसको 15-20 मिनट पकाते हुए मिलते हैं। अरवियों को मैंने अच्छे तरीके से जो है धो लिए, ठीक है, ऑयल डाल दिए इसमें मैंने इसको तलने के लिए, बाकी जो थोड़ा सा ऑयल है मैं वो निकाल लूँगी, रिड्यूस कर लेंगे ऑयल को, क्योंकि इस टाइम पर मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, तो देख लीजिएगा वैसे 2 टेबल स्पून इनफ होंगे। और साइड मैंने जो है ना मटन भी चढ़ा दिए, तो बस इसमें अब मैं जो है ऑयल डाल देती हूँ और साथ में अरवियाँ। अरवियों को ना अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था 5-7 मिनट, तो जो मैंने आटा लगाया था, आप चाहें तो इसको नमक के पानी में भिगो के 15 मिनट के लिए रख दें, फिर वॉश कर लें, या अच्छे तरीके से भून लिया करें ब्रेड धोने के बाद, तो भुनाई में भी इसकी जो है ना लेस ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त, इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक हमने बनाना है, उसके बाद इसको निकाल के ऑयल भी रिड्यूस कर लेंगे इसमें से, और मटन बनने के बाद बाकी सारे मसाले डालेंगे। अभी इसको गोल्डन ब्राउन करना है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी कि कितना मुझे चाहिए, और मोस्टली इसमें पक ही जाएगी, बहुत जल्दी बनती है। तो फिर इसके बाद गोश्त को मैंने भून के डायरेक्ट डाल देना है, और फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, निकाल के अच्छे तरीके से वो गल गया था, तो मैंने इसमें जो अरवियों में जो मैंने ऑयल डाला था ना वही ऑयल मैंने इसमें डाल दिया, 2 टेबल स्पून होगा। तो बाकी मैंने रिड्यूस करके निकाल लिया था इसमें से अरवियों में से अच्छे तरीके से, बस इसको मैं अब भून रही हूँ। भुनाई के टाइम पे मैंने कहा था आपको बाकी मसाले जाएंगे, 1/2 टीस्पून जो अदरक और लहसुन का बच गया था ये डाल देंगे, क्योंकि इसमें भुनाई के टाइम पे ही मैं सारे मसाले डाल देती हूँ, नमक भी मैं इसी टाइम पर डालती हूँ, मिर्चे भी, सब कुछ। बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो गया, बहुत ज़बरदस्त नरम हो गया, गल गया कुकर में, आप चाहे तो बगैर कुकर से बना सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होता है, मैं ज़रा कोशिश करती हूँ जल्दी काम निपटाना, तो फिर मैं इस तरह से हिसाब से भर कर लेती हूँ। तो बस इसमें मैं नमक और बाकी स्पाइसेज मैं डाल देती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ। मैंने इसमें ये जो 1/2 टीस्पून रेड चिली जो फ्लिक्स हैं वो डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, क्योंकि मेरे पास जो है 1/2 kg जो अरवियाँ हैं
ठीक है, और हाफ के जी ही मेरे पास तो इस टाइम मटन है, तो उस हिसाब से मैं स्पाइसेस डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा आपको कितने नमक मिर्ची चाहिए। तो साथ ही मैंने हाफ टी स्पून जो है ना लाल मिर्चें डाली, मैं थोड़ी सी रख रही हूँ, देखूँगी हाफ टी स्पून में से भी कि स्पाइसी मुझे कितनी चाहिए। और नमक हसबे जायका, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, मैं इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून ही डालूँगी फिलहाल, बाकी बाद में देखते हैं क्या। काली मिर्चें और कुटा हुआ गरम मसाला ये मैंने रख लिया है, ये बिल्कुल एंड में डालना है, मैंने भुनाई अच्छी करनी है इसकी, और साथ ही जो है ना मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 7-8 मिनट तकरीबन मैंने इसको भून ली है, अच्छी भुनाई हो गई है गोश्त की। प्याज टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए, प्याज टमाटरों का जो है मैंने छिलका उतार लिया था जैसे ही वो सॉफ्ट हुए थे, और प्याज भी बिल्कुल इसमें नरम हो चुके हैं, बस इसमें पहले भी मैंने अदरक लहसुन का 1/2 टीस्पून डाल दिया था, और अभी बचा हुआ बाकी जो है मैंने अदरक लहसुन डाल दिया ताकि गोश्त में से जो स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो अच्छे तरीके से 4-5 मिनट उनकी जो है ना भुनाई कर लेते हैं गोश्त की, और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर अरवियाँ। चलें, अभी 4-5 मिनट हो गए हैं, अरवियों की भुनाई कर ली थी मैंने आपके सामने, ये इस तरह की तकरीबन इस कलर में आ गई थी, ये देखें गोल्डन कलर में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉरी ये इस कलर में, तो ये गोल्डन कलर मुझे चाहिए पूरे अरवियों में, ये देखें। तो इस तरह से आप इसका जो है फ्राई कर लें, अच्छी खासी फ्राई हो जाती हैं, मज़ीद जो है इसमें बस मसाले में 1-2 मिनट इसको भुनें गोश्त के साथ, अच्छी भुनाई कर लें। अच्छा, मैं कभी ऐसा भी कर लेती हूँ, इस तरह से बना लेती हूँ, पानी में ज़्यादा डाल देती हूँ, उसका जो यखनी बनाती हूँ ना, मतलब ये मटन जब बन रहा होता है तो इसकी पानी जो है ना थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ, 1 कप जितना जो जब इसको मैं बुनाई कर लेती हूँ तो वही पानी मैं इसमें डाल देती हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट। और अगर आप सादा पानी डालना चाहें तो आप सादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बस ये क्योंकि मुझे शोरबे वाली अरवी चाहिए, लेस नहीं होगी क्योंकि अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया था, तो शोरबा करने के लिए मुझे ग्रेवी में अगर आपने रखना है तो इसी टेक्सचर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें जो है ना ग्रेवी नहीं चाहिए, मैंने ये यखनी आपको जो बोली थी मैंने इसमें से ये देखी, ये यखनी जो है निकाल ली थी, यही वाली यखनी मैं दोबारा इसमें डालूँगी, पक चुकी थी, कच्ची नहीं है, फिर भी मैं इसको 4-5 मिनट जो है ना और पकाऊँगी इसमें, ताकि इसमें जो अरवियाँ हैं वो भी रच बस जाए, और नमक मिर्च आप इसी टाइम पे चख लीजिएगा, अभी तकरीबन पकी हुई है, गोश्त भी गल चुका है। किसी दिन मैं आपको सिर्फ भुनी हुई अरवियाँ जो है ना वो भी सिखाऊंगी। ज़्यादा चम्मच नहीं इसमें हिलाते क्योंकि और ज़्यादा मसला हो जाएगा, सिर्फ मिर्चे नमक बिल्कुल फिट है, क्योंकि मैंने पहले जिस तरीके से बनाती थी मेरा वही प्रोसेस है, मुझे आदत हो गई है मिर्च और नमक की। तो ये 2-3 चुटकी जो है इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्चों का, ज़्यादा नहीं डालती, और गरम मसाला आपने 1/2 टीस्पून से भी कम डालना है। ग्रीन चिली आपको अगर पसंद है तो आप इसके अंदर जब आप भुनाई कर रहे थे तभी डाल देते, लेकिन मुझे ये है कि बस ग्रीन ऊपर नज़र आनी चाहिए, और मैं मतलब ग्रीन से ये होता है कि मुझे ज़्यादा लगता है कि अंदर नरम होके पक नहीं गई, तो मैंने इस तरीके से बस इसमें काट के इस तरह से डालती जाऊँगी ये ग्रीन चिली, और 2-3 जो है ये पालक वाली डाल दूँगी इस टाइम पे, आप काट के भी डाल सकते हैं, वो जिसको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है वो लोग कर लें, मुझे नहीं इतनी ज़्यादा स्पाइसी पसंद, बस इसको बिल्कुल अब मैंने मीडियम पे कर देना है, और 2 मिनट और मैं इसको देखूँगी, 5-7 मिनट ही में आपकी जो है ना अरवियाँ रेडी हो जाएगी जब आप इसको बस इसमें अभी मैंने गार्निशिंग के लिए इसी टाइम पे ही धनिया डाल देना, बिल्कुल ज़बरदस्त आपकी जो अरवी गोश्त है रेडी हो गया, और यकीन करें बहुत मज़े का बना है, मुझे पता है बहुत ही मज़े का बना, ये देखिए फॉइल भी ऊपर जो है निकल आया है। तो आपको ग्रेवी जो मैंने पहले बताई थी आप उस स्ट्रक्चर में रखनी है तो वैसे रख लें, और अगर आपने इस तरीके का थोड़ा सा इस तरह का शोरबा चाहिए तो आप रख लें, जो मैं यखनी बचा के रखती हूँ उससे यह होता है कि थोड़ी इस तरह का टेक्स्चर आता है, गाढ़ा गाढ़ा सा टेक्स्चर आता है, नॉर्मल पानी से भी यही आता है,
क्योंकि अरबियों की एक लेस ही होती है उससे ये गाढ़ा बनाते हैं। मज़ीद मुझे वो यखनी थोड़ी सी पसंद है, तो आप देख लीजिएगा आपको जिस तरीके से पसंद हो आप वैसे बना लें। तो बस यहाँ पे हो गया अरबी गोश्त डन। अगर आप चाहें तो एक लीमू काट के साथ रख सकते हैं, डालना नहीं है इसमें मैंने, ठीक है। इस तरीके से एक लीमू ले लें और उसको काट के भी आप जो है ना इसके ऊपर खा सकते हैं। जब मैं अरबी गोश्त अरबी भुनी भी बनाती हूँ, सिर्फ अरबी, तो उस टाइम पे मुझे ये लीमू बहुत पसंद है, तो मैं उस टाइम इसके ऊपर निचोड़ के खा लेती हूँ। तो बस ख़त्म करते हैं अपनी अरबी गोश्त को और फिर ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनी होगी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त अरबी गोश्त बना है, तो दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और डिश के साथ, अभी इसी डिश के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।